और इसी बीच एक बड़ी खबर मुरैना से, जहां 10वीं का साइंस का पेपर लीक हुआ है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पेपर लीक हो गया। सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र कलेक्टर पहुंचे हैं। इसके बाद अब अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। प्रशासन समेत शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। शिक्षा अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए और परीक्षा केंद्र को पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन 10वीं का साइंस का पेपर लीक हो गया, ये सिलसिला देखिए बदस्तूर जारी है। कार्रवाई हो रही है क्राइम ब्रांच की ओर से, गिरोह के सदस्यों को भी पकड़ा जा रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भोपाल से हुई और इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी। लेकिन ये इसी बीच एक बड़ी खबर मिलती है कि 10वीं का साइंस का पेपर परीक्षा शुरू होने से महज 30 मिनट पहले लीक हो गया। जानकारी लेंगे, उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए। उमेश, एक तरफ कार्रवाई हो रही है लेकिन दूसरी तरफ ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी देखिए, मुरैना में जो नकल माफिया है उनके हौसले काफी बुलंद है। आज हाईस्कूल का विज्ञान विषय का आज पेपर था और आधे घंटे पहले ही जो हाईस्कूल का जो सेंटर बना था, सेंट्रल अकादमी जो परीक्षा सेंटर बनाया था जोरा में, और वहां से जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और जो स्टाफ था उसने अपने मोबाइल से पेपर का फोटो खींचकर कोचिंग संचालक को फॉरवर्ड किया था और उसने जो वहां पर जो कोचिंग के जो बच्चे थे उनको उसका पूरी तैयारी करा दी थी। आधे घंटे पहले ये पूरा जो पेपर है वो लीक हो गया और जैसे ही इसकी भनक कलेक्टर और जो जिला शिक्षा अधिकारी को लगी, वहां मौके पर पहुंचे। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो वहां पर सीएस हैं और जो स्टाफ है उसको नजरबंद किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि जिस तरह से लगातार पूरे मध्यप्रदेश में ही जो हाईस्कूल और जो इंटर की परीक्षाएं हैं उनके जो पेपर लीक हो रहे हैं तो लगातार हो रहे हैं। पहला ही पेपर जो इंग्लिश का था, उसके बाद गणित का, तमाम ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए थे। हालांकि बंसल न्यूज ने भी लगातार खबर दिखाई लेकिन इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नहीं की गई थी और यही वजह है कि माफी आप लगातार जो नकल माफिया है वो लगातार सेंटरों से पेपर इस तरह का जो कोचिंग संचालक उनको पहुंचा रहे थे और वो छात्रों को फॉरवर्ड अब उनके मोबाइल पर कर रहे थे या कोचिंग में तैयारी करा रहे थे। आज इसका भंडाफोड़ हुआ है और कलेक्टर मौके पर है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और आगे जो जिस संचालक को फॉरवर्ड किया है उसको भी बुलाया गया है और क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा गया है। क्राइम ब्रांच अब ये देखेगी कि ये कहाँ कहाँ किन किन छात्रों पर या किस किस कोचिंग संचालकों के द्वारा यह फॉरवर्ड किया गया है या कहाँ पहुँचाया गया, ये पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर विषय है उमेश, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हौसले देखिए किस कदर बुलंद है कि एग्जाम से 30 मिनट पहले 10वीं का साइंस का पेपर लीक हो जाता है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं, क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा जाएगा और फिलहाल तमाम जो स्टाफ है उन्हें एक नजरबंद भी किया गया है, रोका गया है। अब इस पूरे मामले में आगे जांच के आदेश दे दिए गए हैं।